वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की। हमारी लगातार आपको सीरीज मिल रही है, तो आज पार्ट नंबर मैं 9 लेकर आया हूं। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वीडियो मेंस एग्जाम रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की क्लास आपको सीरीज मेरी लगातार मिलेगी। रोज़ शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है, टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको 15 या 20 मिनट की क्लास में डेली आपको 50 क्वेश्चन की मेरी सीरीज मिल रही है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। पर्यटन स्थल पिकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? पर्यटन स्थल पिकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो आज हम कुछ पर्यटन और मेलों से संबंधित ज़्यादा 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी पर्यटक स्थल पिकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? जयपुर जिले में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किस झील पर हैदराबाद के हुसैन सागर की तर्ज पर विभूति पार्क बनाया गया है? राजस्थान में किस झील पर हैदराबाद के हुसैन सागर की तर्ज पर विभूति पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फतेह सागर झील पर। किस पर है? ऑप्शन नंबर बी, फतेह सागर झील। राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ पुल कहाँ बनाया गया है? राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ पुल कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है, ध्यान रखना, कोटा में। कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर दिया, कोटा में झूलता हुआ पुल मनाया गया है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग है? संभाग वैसे आपसे नहीं पूछे, ये पर्यटन संभाग अलग होते हैं, और जो संभाग वो होते हैं ना, वो 7 संभाग वो अलग होते हैं। इसने क्या पूछा है? राजस्थान में वर्तमान में पर्यटन संभाग तो कितने हैं? ध्यान रखना 4 है। कौन कौन से हैं? एक तो है जोधपुर पर्यटन संभाग आता है, एक आता है उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये 4 आते हैं इसमें। अच्छी तरह से पढ़ लेना, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये 4 आते हैं पर्यटन संभाग में, और वैसे 7 संभाग आपको पता ही है। देश का पहला स्मारक कौन सा है जहां पर नाइट टूरिज्म, नाइट सफारी की व्यवस्था की गई है? देश का पहला स्मारक कौन सा है जहाँ पर नाइट टूरिज्म की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर महल, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? नाइट सफारी की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, जैसलमेर। बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है, ध्यान रखना, बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बैलून सफारी बूंदी की प्रसिद्ध है। लोयन सफारी किस दुर्ग की प्रसिद्ध है? लोयन सफारी किस दुर्ग की प्रसिद्ध है? रणथंबोर, नाहरगढ़, केवलादेव, श्रीस्का। लोयन सफारी किस दुर्ग की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना ये है नाहरगढ़ की, इसकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर दिया, नाहरगढ़ की प्रसिद्ध है। अगला देखो, डंकी सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? डंकी सफारी मेवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती, ढूंढाड़। डंकी सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? यह है शेखावाटी की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं, और ये डंकी सफारी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। हॉर्स सफारी किस जिले की प्रसिद्ध है? हॉर्स, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। तो हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ध्यान रखना अजमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर की। अगला देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005, 2009, 2011, 2016। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? स्टार लगा लेना, हो सकता है एग्जाम में छप सकता है। तो ध्यान रखना कब शामिल किया गया, 2011 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना कहाँ की गई? यानी कि कालबेलिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई, कहाँ पर है? ध्यान रखना आमेर में।
कहाँ पर की गई? ऑप्शन नंबर बी आमेर में इसकी स्थापना की गई। अगला देखो, पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, किस जिले में है? यानी कि पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया, यानी कि किस जिले में, ये पूछा भी कातन बावड़ी किस जिले में है, तो ध्यान रखना ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में कातन बावड़ी विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए इसको केंद्र सरकार के पास है भेजा गया। नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की किस पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की किस पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कौन सी पुण्यतिथि पर? 406वीं पुण्यतिथि पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की किस जयंती पर राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की? महाराणा प्रताप की किस जयंती पर राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की? तो ये की थी 476वीं जयंती के उपलक्ष पर। क्या है? महाराणा प्रताप की जब 476वीं जयंती थी उसमें राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप के भील सेनापति राणा पुंजा की प्रतिमा का अनावरण 2017 में कहाँ किया गया? तो महाराणा प्रताप के जो भील सेनापति थे राणा पुंजा, उनकी प्रतिमा का अनावरण 2017 में कहाँ किया गया? ये किया गया था उदयपुर में। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में। राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटन स्थल है रणथंभौर दुर्ग। ये राजस्थान का, मतलब राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटन स्थल कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, आमेर महल, जंतर मंत्र, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखना राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटन स्थल है आमेर महल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश का तीसरा व राजस्थान का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेक्शन सेंटर कहाँ बनेगा? देश का तीसरा और राजस्थान का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेक्शन सेंटर कहाँ बनेगा? ये बनेगा जोधपुर में। कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में बनेगा। किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? यानी कि किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वह है जयपुर और वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किस पर्वत को पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पॉट चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये चुना गया है हर्ष पर्वत को। किसको? और हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है, हर्ष पर्वत सीकर में है। और अभी इसको क्या है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पॉट इसको चुना गया है। नेक्स्ट देखो, श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, जालौर, बाड़मेर, भरतपुर। तो ये अभी क्वेश्चन पीछे चल रहे थे वो थे पर्यटन से संबंधित, अब आगे हम चर्चा करेंगे मेले से संबंधित। आज मैं क्वेश्चन है लेकर आया हूँ क्योंकि डेली आपको 8 बजे मेरी निरंतर आपको क्लास मिलती है डेली की। एक दिन छोड़कर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी और एक दिन मेरी जीके की क्लास आपको मिलेगी। तो निरंतर मेरी इस क्लास के साथ आप सुबह मेरी इंडिया करंट है और शाम की मेरी जीके की क्लास आता है, बने रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा रघुनाथपुरी का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है जालौर में। कहाँ पर लगता है? जालौर जिले में बाबा रघुनाथपुरी का मेला लगता है। सेवड़िया पशु मेला किस जिले में लगता है? नागौर, जालौर, भरतपुर, अलवर। बताइए मुझे सेवड़िया पशु मेला, तो सेवड़िया पशु मेला लगता है जालौर में। कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर बी जालौर में। अगला देखो, बजरंग पशु मेला किस जिले में लगता है? बजरंग पशु मेला भरतपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, सीकर। ये यहाँ पे लगता है भी बजरंग पशु मेला किस जिले में लगता है? तो ध्यान रखना ये लगता है भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? भरतपुर में बजरंग पशु मेला। नेक्स्ट देखो, बसंती पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? बसंती पशु मेला चैत्र, वैशाख, सावन, माघ। और बसंती पशु मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में लगता है। ध्यान रखना कहाँ पर लगता है? भरतपुर में लगता है। और किस माह में? यह लगता है माघ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखो, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? रूपवास, संचोर, रानीवाड़ा, झालरापाटन। तो गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़ में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, सीताबाड़ी पशु मेला किस जिले में लगता है? झालावाड़, उदयपुर, बारा, प्रतापगढ़। सीताबाड़ी पशु मेला, तो सीताबाड़ी पशु मेला लगता है बारा में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भरता है? घोघा मेड़ी, तेजाजी, मलिनाथ जी, पुष्कर मेला। तो ये तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला भरता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमेठ पशु मेला किस जिले में भरता है? अमेठ, भरतपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। अमेठ पशु मेला किस जिले में भरता है? ये भरता है राजसमंद, कहाँ पर भरता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भरतपुर में जसवंत पशु मेला किस माह में भरता है? अब जसवंत पशु मेला आपसे पूछे तो कहाँ लगता है? भरतपुर में, और किस माह में लगता है? ये लगता है अक्टूबर माह में, कब लगता है? अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। पुष्कर पशु मेले में सर्वाधिक किस पशु की बिक्री होती है? गाय, भैंस, ऊँट, बैल। तो पुष्कर कहाँ पर लगता है? ये पुष्कर अजमेर में इसका मेला लगता है, और सबसे ज़्यादा किस पशु की बिक्री होती है? ये होती है ऊँट की। किसकी होती है? ऊँटों की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। बाबा रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाबा रामदेव पशु मेला, तो बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर में लगता है, ध्यान रखना। वैसे आपसे सीधा आपसे पूछे भी रामदेव जी का मेला कहाँ भरता है, ये रुणेचा जैसलमेर में, लेकिन पशु मेला अगर आ जाए रामदेव जी का तो वो लगता है नागौर में, कन्फ्यूज मत होना, दोनों का अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट देखो, करौली में शिवरात्रि पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? करौली में शिवरात्रि पशु मेला, तो ध्यान रखना शिवरात्रि पशु मेला कब आता है, बताइए आपको, मार्च महीने में। कब आता है? मार्च महीने में। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला मलिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला मलिनाथ, जो बाड़मेर में लगता है, पशु मेला किस नदी के किनारे होता है? पता ही आपको, नदी कहाँ पर है? ये लूणी नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले, तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं, ध्यान रखना, नागौर में। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो डूंगरपुर में सर्वाधिक मेले लगते हैं। अगर आपसे पूछे भी पशु मेले कहाँ लगते हैं, तो पशु मेले सर्वाधिक है नागौर में लगते हैं। चांदसेन पशु मेला किस जिले में भरता है? चांदसेन पशु मेला किस जिले में भरता है? भरतपुर, बाड़मेर, टोंक, जयपुर। तो चांदसेन पशु मेला किस जिले में भरता है? टोंक में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बहरोड़ पशु मेला किस जिले में भरता है? बहरोड़ पशु मेला, तो बहरोड़ पशु मेला लगता है अलवर में, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सांगानेर के लुणियावास में किस पशु का मेला भरता है? सांगानेर के लुणियावास में किस पशु का मेला भरता है? ये भरता है गधों का मेला। तो बताइए गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सांगानेर के लुणियावास में ये पशु मेला गधों का लगता है। चंद्रभागा पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालावाड़ में लगता है, और किस माह में इसका आयोजन होता है? ध्यान रखना, इसका होता है नवंबर माह में। कब होता है? नवंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है चंद्रभागा पशु मेला का। घोघा मेड़ी पशु मेला किस माह में आयोजित होता है? घोघा मेड़ी पशु मेला, तो घोघा मेड़ी हनुमानगढ़ में, आपको पता ही है हनुमानगढ़ नौ, हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है, और किस माह में लगता है? ध्यान रखना, ये लगता है भाद्रपद में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? 5, 8, 10, 12। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, ये है 10। कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या है। पक्षियों का मेला किस जिले में पड़ता है? भरतपुर, जयपुर, अलवर, सिरोही। पक्षियों का मेला, तो ध्यान रखना, पक्षियों का मेला किस जिले में लगता है? ये लगता है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बाबा रामदेव, पुष्कर, कोलायत, ख्वाजा साहब का उर्स। तो विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये है पुष्कर का मेला। तो सबसे ज़्यादा अजमेर में लगता है ये, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ पे, सबसे बड़ा यहाँ पर पुष्कर में मेला लगता है। 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? लोहागढ़, झुंझुनू,
कामा भरतपुर, पुष्कर अजमेर, रामेश्वर सवाई माधोपुर। तो 84 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? ये लगता है कामा भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। नेक्स्ट देखो, कनफटे साधुओं का कुंभ किस मेले को कहते हैं? कनफटे साधुओं का कुंभ, भरतरी मेला, बणेश्वर, सीताबाड़ी, भोजन थाली मेला। कनफटे साधुओं का कुंभ किसको कहते हैं? ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतरी मेला, जो कहाँ पर लगता है? अलवर में। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है? सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है तो कहाँ पर होता है? सीताबाड़ी बारह में। सीताबाड़ी बारह में क्या है? सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। 24 कोसी परिक्रमा वाला मेला कहाँ लगता है? ये 24 नहीं है, यहाँ पर भी ये 84 है, तो ये भी कामा भरतपुर में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दोबारा आ चुका है क्वेश्चन। अगला देखो, मेरवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? मेरवाड़ का कुंभ, बाबा रामदेव मेला, पुष्कर मेला, केला देवी मेला, ख्वाजा साहब का उर्स। मेरवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला। तो मेरवाड़ का कुंभ है, पुष्कर मेला को कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बड़े भाइयों का नहीं है, 12 भाइयों का मेला है। ये 12 भाइयों का मेला किस ज़िले में लगता है? गंगानगर, धौलपुर, जयपुर, अजमेर। यहाँ पर बड़े भाई नहीं है, यहाँ पर है 12 भाइयों का मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है धौलपुर में। कहाँ पर लगता है? धौलपुर में बड़े भैया 12 भाइयों का मेला आयोजन होता है। नेक्स्ट देखो, बीरबल नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? बादशाह मेला, भोजन थाली, पक्षियों का मेला, बाबू महाराज का मेला। बीरबल नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है? ये है बादशाह का मेला, जो ब्यावर अजमेर में लगता है, जो आकर जहाँ पर क्या है, बीरबल नृत्य इस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, संन्यासियों का बादशाह किस संत को कहा जाता है? ख्वाजा साहब, हमीमुद्दीन चिश्ती, पंजाब शाह, मीठे शाह। तो संन्यासियों का बादशाह, तो ध्यान रखना संन्यासियों का बादशाह कहते हैं हमीमुद्दीन चिश्ती को, जिसमें क्या है, इसको तारकिन का उर्स भी बोला जाता है, जो नागौर में लगता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला ये उर्स लगता है। पहला तो आपको पता ही है ख्वाजा साहब का है, और दूसरा ये हमीमुद्दीन नागौरी का लगता है, जो तारकिन का उर्स बोलते हैं, इसको क्या है, संन्यासियों का बादशाह बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन थे जीके के। जाते जाते लाइक शेयर कर देना, निरंतर मेरी क्लास के साथ आप बने रहिए। लगातार आपको मेरी सुबह इंडिया करंट और शाम को मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक दिन छोड़कर आपको जीके के टॉप 50 क्वेश्चन मेरी सीरीज मिल रही है। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।